1 3 4 3 0 आनंद से देहरादून या देहरादून से दिल्ली, इस 250 किलोमीटर के सफर को वैसे तो बहुत सारे साधनों से तय किया जा सकता है और इन साधनों को भी आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, जैसे सस्ती बस, महंगी बस, सस्ती ट्रेन, महंगी ट्रेन, टैक्सी या अपनी गाड़ी। लेकिन आज हम सफर करेंगे लेटेस्ट 22457 दिल्ली देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस में। वैसे तो आज तक मैं दिल्ली का सफर दिल्ली देहरादून जन शताब्दी के सेकंड सिटिंग कोच में सिर्फ 150 रुपए में करती आई हूँ, पर इस नई वंदे भारत का एक्सपीरियंस तो लेना ही था, तो मैंने बुक किया ऑनलाइन तत्काल टिकट। वैसे तो इस ट्रेन में दो टाइप के कोच हैं, एक चेयर कार और दूसरा एग्जीक्यूटिव क्लास। मैंने चेयर कार चूज किया जिसका किराया हम दो लोगों का 2314 रुपए पड़ा, यानी के 1157 एक पर्सन का। और मेरे साथ के दूसरे पर्सन को तो आप जानते ही हैं, जी हाँ, इस चैनल के सुभाष घई। वैसे तो एग्जीक्यूटिव क्लास का जनरल फेयर लगभग 1900 रुपए है, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे तो आप इसे भी चूज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने चेयर कार में सफर किया तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी इसी की मिलेगी। तो जी हाँ, दिन था 3 जून 2023 और हमारी ट्रेन थी आनंद विहार टर्मिनल से, जिसका डिपार्चर टाइम था 5:50। लेकिन हम बचपन से ही सीखते आए हैं ना कि ट्रेन के टाइम से लगभग 1 घंटा पहले ही पहुंचना चाहिए, लेकिन हम तो 4 बजे यानी लगभग 2 घंटे पहले ही आनंद विहार टर्मिनल पर पहुंच गए। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जानी थी, मगर देखा तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच में खड़ी है, तो थोड़ा और जूम करके देखा तो अच्छा, तो ट्रेन की सफाई हो रही है, तो हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही ट्रेन के आने का इंतजार करने लगे। आखिरकार ट्रेन उस मेन ट्रैक से जाने लगी और उम्मीद थी कि ट्रेन जल्दी ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ जाए, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी और गर्मी में इंतजार करना बहुत भारी पड़ रहा था। अपना टाइम पास इन इंजन्स को आते जाते देखकर हो रहा था, जैसे ये भारतीय रेल के विलुप्त होती प्रजाति डीजल इंजन। फाइनली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। आते ही लोग ट्रेन के साथ फोटो और सेल्फी लेने लगे, तो हम क्यों पीछे रहते, आखिरकार हम भी तो इसीलिए आए हैं। ट्रेन की फोटो लेने के बाद हम इंतजार कर रहे थे ट्रेन के दरवाजे खुलने का। ट्रेन 5 बजे प्लेटफॉर्म पर लग गई थी, लेकिन अभी तक दरवाजा नहीं खुले हैं और 5:15 बज चुके हैं, तो हम सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब ट्रेन के गेट खुलेंगे और हम सब एंटर होंगे। आखिरकार 5:30 बजे ट्रेन के दरवाजे खुले और हम चले अपनी लाइफ की पहली वंदे भारत के अंदर। फाइनली बहुत इंतजार के बाद मैं ट्रेन के अंदर बैठ चुकी हूँ और अंदर से तो ट्रेन बहुत ही लग्जरी ट्रेन लग रही है, बिल्कुल नई साफ़ सुथरी ट्रेन विथ एसी। तो गर्मी में ऐसी ट्रेन में बैठने का तो मज़ा ही अलग है, तो फिलहाल तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी आगे की जर्नी के लिए। तो देखते हैं कि आगे और क्या क्या होता है, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। अभी मैं ट्रेन में बैठी हूँ और ट्रेन के अंदर की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, बहुत खुशबू आ रही है, पीनी खुशबू आ रही है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। आपको आ रहा है? आ रहा है।
होने वाली है, इसमें जो यात्री जो पैसेंजर छोड़ने आए हैं कृपया ट्रेन से उतर जाए और सभी यात्री दरवाजे से हटके खड़े हो। धन्यवाद। फाइनली ट्रेन चलने लगी है। 5:50 का ट्रेन का टाइम था और ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम है और अब हम प्लेटफॉर्म से निकलने लगे हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि मुझे विंडो सीट मिली है। बातों बातों में हम कब दिल्ली से काफी आगे आ गए पता ही नहीं चला और ट्रेन की फैसिलिटी की तो कोई बात ही नहीं हुई। तो चलो ट्रेन को थोड़ा डिटेल से जानते हैं। ये एक छोटी सी ट्रेन है क्योंकि इसमें सिर्फ 8 कोचेस हैं, चेयर कार के 7 और एग्जीक्यूटिव क्लास का 1। मैं कोच C2 में थी जिसमें टोटल 78 न्यू और कम्फर्टेबल सीट्स हैं। एक रो में 5 सीटें, एक तरफ 3 और दूसरी तरफ 2। ट्रेन में विंडशील्ड का साइज भी अच्छा बड़ा है जिससे बाहर के व्यूज कमाल के दिखते हैं और रात होने पर आप इसे इस तरह से क्लोज भी कर सकते हैं। इस ट्रेन में चेन खींचने की कोई सुविधा नहीं है क्योंकि इसमें इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट है। अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो सीधे ड्राइवर से बात करें और अपनी समस्या बताएं। इसे यूज करना बहुत आसान है, दिए गए ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और इजीली इसे यूज करें, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी में। वैसे इमरजेंसी के लिए यहाँ बहुत कुछ है। लेग स्पेस अच्छा है, फुट रेस्ट तो कमाल का है और ये 3 लाइट्स पढ़ने के लिए हैं, जैसे प्लेन में होती हैं। और ये ट्रेन जन शताब्दी की तरह ही है लेकिन अभी नई है तो अच्छी लग रही है। ट्रेन में सेफ्टी के लिए पुलिस का मूवमेंट भी है। इस ट्रेन में कोचेस के डोर ऑटोमेटिक हैं और ट्रेन के मेन डोर भी ऑटोमेटिक है जो सिर्फ स्टेशन पर ही खुलता है। तो आप इस तरह से सफर का मजा नहीं ले पाएंगे क्योंकि चलती ट्रेन में ये डोर खुल नहीं पाएंगे। ये है इस ट्रेन के टॉयलेट। बायो टॉयलेट है, साफ सुथरे हैं। चलती ट्रेन में भी इसकी सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। अब लग रहा है कि ट्रेन अपने फुल स्पीड में है, बहुत मजा आ रहा है। ट्रेन के चलते ही आपके पास एक पानी की बोतल आ जाती है और उसके कुछ देर बाद ही ये ब्रंच। तो हमारा पहला ब्रंच आ गया है जिसमें सबसे पहले स्नैक्स लाइक समोसा, मिक्स फ्रूट जूस है, चलो इस ब्रंच को एंजॉय करते हैं। इस ट्रेन में मिलने वाली मील का पैसा टिकट में इंक्लूड होता है लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप इस ट्रेन की मील को नहीं लेना चाहते हैं तो आप बुकिंग के टाइम पर मील ऑप्शन को नहीं चुने। हमारे केस में 308 रुपए पर पर्सन का मील प्राइस था। अगर हम मील नहीं चुनते तो हमें टिकट पे 308 रुपए की बचत होती, यानी टोटल 616 रुपए की। मगर आपको इस ट्रेन की मील के बारे में बताना भी तो था। इसमें चार्जिंग पॉइंट आपको सीट के नीचे मिलेंगे जिसमें आपको अडॉप्टर USB-C टाइप के ऑप्शंस मिलेंगे। मैं चार्जिंग पॉइंट ढूंढ रही थी ऊपर के चार्जिंग पॉइंट कहाँ है और मुझे लगा कि नहीं है, लेकिन है यहाँ। सीट के नीचे जो पर्दा नहीं वायर के लिए सही है, वैसे यहाँ से।
इस ट्रेन का जो सर्विस स्टाफ है उसके यूनिफॉर्म की मैंने एक बात नोटिस कर ली, उनकी जो टोपी है वो उत्तराखंड की ट्रेडिशनल टोपी है और उस टोपी पर ब्रह्म कमल का बैच लगा हुआ है। वैसे तो उत्तराखंड की जो ट्रेडिशनल टोपी है उसका कलर ब्लैक होता है, लेकिन यहाँ जो है वो ब्लू है। शायद वो रेलवे के कलर की वजह से है, लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ट्रेन धीरे धीरे अपने सारे स्टेशन पर पहुँच रही थी। इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज है सहारनपुर। सहारनपुर भी एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है, इसलिए इसके रूप में सहारनपुर को भी रखा गया है। अब हम आ गए हैं सहारनपुर स्टेशन पर। अब ट्रेन सहारनपुर से निकल चुकी है और अब ट्रेन अपनी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। हम पहले आ रहे थे इस डायरेक्शन में, अब हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। सहारनपुर से ट्रेन निकलने के बाद रात का खाना भी सर्व हो गया था, तो रात का डिनर आ गया है हमारा और इसमें चावल, सब्जी, दाल और रोटी है। अचार भी है इसमें, आपको सुकून भी मिलेगा। अभी तक की हमारी दूसरी मील है, तो चलिए जल्दी से एंजॉय करते हैं। खाना खाने के बाद सर्व हुई ये स्वीट डिश जिसमें थी अमूल की ये आइसक्रीम, और आइसक्रीम खाते खाते कब हरिद्वार आ गया पता ही नहीं चला। और सब तैयार थे हरिद्वार में उतरने के लिए। हमारा सफर हरिद्वार तक ही था, अभी ट्रेन को आगे देहरादून जाना था, तो ट्रेन से उतरकर इस वंदे भारत को हमने अलविदा कहा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।